केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है, बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं, कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं, और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। वैसे हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कोई नई कल्पना नहीं है, चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक समय में राज्य प्रशासन के जितने भी हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध है, हर जगह पर समय समय पर आपदा प्रबंधन की बात की है, परंतु हमारे देश में लगभग 2004 के बाद आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर इस पर एक सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक रिस्पॉन्स इसको तय भी किया गया, और मैं मानता हूं बहुत अच्छे से 2000 की साल से लेकर 2023 तक की यात्रा को हमने किया है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने साथ में रहकर सदी की सबसे भीषण महामारी का बहुत सफल सामना हम कर पाए हैं। उस कठिन समय में हर मोर्चे पर केंद्र और राज्य और जनता तीनों ने मिलकर एक लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 220 करोड़ से ज्यादा टीका लगाना, करोड़ों गरीबों के भूख को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस पहुंचाना और डीबीटी के माध्यम से कोई घर में चिंता न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पाए हैं, हम सबके लिए संतुष्टि का विषय है। जैसे मेरी ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने बताया था, कुछ साल पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था, हम केवल रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की ही चिंता करते थे। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक रूप से सामूहिक मेहनत और सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। आपदा मित्र योजना, कई सारे आपके सुझाव मिले हैं, मगर ये अपेक्षा भी ठीक नहीं कि सारा कुछ केंद्र ही कर देगा, मगर इस पर हम जरूर कुछ सोच पाएंगे तो सोचेंगे। परंतु 350 बहु जोखिम आपदा संभवित जिलों में लगभग 1,00,000 युवा वॉलंटियर को तैयार करने का हमने जो लक्ष्य रखा है, इससे कई सारे आपदाओं की घटनाओं में हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसका जो एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है वो बहुत सकारात्मक
और उत्साहवर्धक है। हमने एक नई पद्धति भी चालू की है, आईएमसीटी की टीम जो भेजना है, पहले राज्यों के ज्ञापन की प्रतीक्षा कर ज्ञापन आने के बाद भेजते थे, हमने प्रोएक्टिव तरीके से पिछले चार वर्षों में 10 ही दिनों के अंदर 73 बार आईएमसीटी की टीमें भेजकर केंद्र ने प्रोएक्टिव तरीके से राज्यों को मदद करने के लिए कदम उठाए हैं। और इसके कारण 2005-06 से लेकर 2013-14 तक 9 वर्षों में और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 9 वर्षों की तुलना में एसडीआरएफ पहले जो 35,858 करोड़ रुपया बांटा गया था, इसकी जगह 3 गुना बढ़ोतरी लगभग 1,04,704 करोड़ हुआ है। और एनडीआरएफ से जो पैसा जारी किया गया 25,000 करोड़ की तुलना में 77,000, उसमें भी करीब करीब 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच से और बजेटरी प्रोविजन आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण और बाद में रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, इस सभी क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए जो बजेटरी प्रोविजन केंद्र ने और राज्यों ने बढ़ाया है, इसी का ये परिणाम है। 21 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया, लगभग 16,700 करोड़ रुपया एसडीएमएफ के अंतर्गत राज्य अरे केंद्र के अंतर्गत और एसडीएमएफ के अंतर्गत 32,031 करोड़ रुपया समन के लिए हमने जो किया है, उसका भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा ये लड़ाई लड़ने में हमें होने वाला है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इसकी राष्ट्रव्यापी सूची बनी है, लगभग 1,00,000 नए रिकॉर्ड्स जनरेट किए गए हैं। नागपुर में एनडीआरएफ की एकेडमी की आधारशिला रखी गई है, लगभग लगभग काम समाप्ति के आरे पर है। 354 करोड़ से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल्स को एसएमएस के जरिए से लागू करने का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम और 241 विश्वविद्यालयों के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना, ये हमारे बहुत उपयोगी और बहुआयामी इनिशिएटिव है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति और संस्था दोनों को पुरस्कृत करने की परंपरा सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित की है। इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों में और व्यक्तियों में दोनों में उत्साहवर्धन हुआ है। अभी कमल जी ने 10 ऐप और साइट्स का आप लोगों को डिटेल दिया है, जिसके बारे में मौसम का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की संभावनाएं, भारी बारिश, कई प्रकार की चेतावनियां समय रहते हमें मिलती हैं, जो हमें लोगों की जान बचाने में और पशुधन बचाने में भी बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अलग अलग 32 गाइडलाइंस बनाकर यहां से आपके पास
भेजा गया है। देश में बाढ़ से बचने के लिए इसरो द्वारा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 271 वेटलैंड की पहचान की गई है। आईएमडी द्वारा वर्षा की संभावना और इसके आधार पर होने वाले बाढ़ की सूचना पहले 3 दिन पहले भेजी जाती थी, अब 5 दिन पहले भेजी जाती है, जिससे बचाव के लिए काफी सर। अमित शाह he's delivering an address after his first set of disaster management meetings with officials concerned. As you know and as we've been reporting, evacuation will continue in villages near the Gujarat coast today as Cyclone Biparjoy intensified into an extremely severe cyclonic storm. Now, what we do know is it's likely to make landfall between Kutch and Pakistan's Karachi on Thursday afternoon.